कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए राणा एजुकेशन को और करे अपने NCHMCT JEE UGC NET का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। किसी भी IHM में टीचर लगने के लिए आपको NSTET या फिर NSTAT का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अभी क्या है NSTAT या NSTET और कैसे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इस पूरे एग्जाम के बारे में। बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है मनोज राणा और मैं IHM शिमला में लेक्चरर हूँ। NSTAT यानी नेशनल हॉस्पिटैलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, हमारे नेशनल काउंसिल से जितने भी कॉलेज एफिलिएट हैं वहां पे टीचर लगने के लिए आपको ये एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। ये एग्जाम नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी साल में 2 बार करवाता है। ऑलराइट, और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो ये होनी चाहिए कि BSc की डिग्री आपकी रेगुलर होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में किसी भी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद आपका 2 साल का होटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपका MSc इन हॉस्पिटैलिटी होना चाहिए। इन दोनों में से कोई सी भी अगर आपके पास क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी है तो आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऑलराइट, राणा एजुकेशन 2019 से NSTAT एग्जाम की कोचिंग दे रहा है और हमारे बहुत सारे बच्चों ने हमसे जुड़ के इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। अगर मैं लास्ट ईयर की ही बात करूं तो 2023 में 10 बच्चों ने NSTAT का एग्जाम क्वालिफाई किया था, उनके ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया था जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा, तो आप वहां जाके देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं NSTAT 2024 के फर्स्ट बैच के बारे में, क्योंकि आपको पता है एग्जाम साल में 2 बार होता है। अभी रिसेंटली दिसंबर में नवंबर में ये एग्जाम हुआ है 23 में, अब 24 हमारा शुरू हो चुका है और इस एग्जाम के होने की जो संभावना हम जो गैस कर सकते हैं जून तक ये एग्जाम आपका टाइज हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि ये कोर्स, ये कोचिंग हम कैसे देते हैं और कितने कोर्सेज हैं NSTAT के, सब कुछ आपको मैं डिटेल में बताता हूँ। तो गाइज, ये मेरी एप्लीकेशन है राणा एजुकेशन जो भी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यहाँ पे जाके आपको NSTAT के सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं। इस ऐप को डाउनलोड, इस ऐप को इंस्टॉल कैसे करना है उसमें एक अलग से वीडियो बनाया है जिसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा और उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप उसको ओपन कर लेंगे और आप सर्च में यहाँ पे लिखेंगे NSTAT। ऑलराइट, तो गाइस NSTAT लिखने के बाद NSTAT के जितने भी कोर्सेज राणा एजुकेशन पे अवेलेबल है वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे। मैं आपको सभी के बारे में बता देता हूँ। ओके, पहला कोर्स है NSTAT ऑनलाइन सीरीज। तो इसमें गाइज आपको तीनों पेपर के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, प्लस जो पिछले सालों में NSTAT के एग्जाम हुए हैं वो सारे उनके जो सॉल्व करके उनको एक सीरीज में कन्वर्ट किया गया है तो वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है 999 ओनली, है ना। तो 999 में ये NSTAT की ऑनलाइन सीरीज है, तीनों पेपर के सारे सब्जेक्ट्स के सारे टॉपिक्स के मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट, है ना। नेक्स्ट आप देख सकते हैं NSTAT पेपर 3, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पेपर 3 मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में। नेक्स्ट है NSTAT पेपर 2, यहाँ पे आपको ओनली पेपर 2 मिलेगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, है ना। इनके प्राइस भी आपको नीचे दिख रहे होंगे 1499 पेपर 3, 1499 पेपर 2। NSTAT पेपर 1 अगेन, क्योंकि पेपर आपका कॉमन सा पेपर होता है, यहाँ पे आपको पेपर 1 के सारे टॉपिक्स के वीडियोज रिकॉर्डेड मिल जाएंगे प्लस उनके मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसका प्राइस हमने रखा है 999, है ना। क्योंकि बहुत से बच्चे होते हैं जिनको पेपर 2 इजी लगता है, किसी को पेपर 3 इजी लगता है, किसी को पेपर 3 टफ लगता है ना। तो जिसको पेपर टफ लगता है अगर उसको उसी पर्टिकुलर पेपर के नोट्स या कोचिंग चाहिए तो उनके लिए अलग अलग कोर्सेज हमने बनाए हुए हैं, लेकिन ये सारे कोर्सेज आपके रिकॉर्डेड है ना। देन मूव करते हैं NSTAT सुपर। ओके, यहाँ पे गाइज आपको तीनों पेपर के रिकॉर्डेड स्टफ मिल जाएगा। ओके, तीनों पेपर के आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आज तक पिछले 4-5 सालों में जितनी भी लाइव क्लासेस हुई हैं वो सब कुछ यहाँ मिल जाएगा, बट अगेन ये भी आपका रिकॉर्डेड रहेगा। ऑलराइट, देन आपका एक NSTAT बेसिक है जहां पे आपको पेपर 1 के वीडियोज मिलेंगे, पेपर 2 और 3 के ओनली PDF मिलेंगे। एक हमारा NSTAT प्लस कोर्स है जहां पे आपको पेपर 1 और 2 के वीडियो लेक्चर मिलेंगे और पेपर 3 के ओनली PDF मिलेंगे। लेकिन जिस कोर्स में लाइव क्लासेस होंगी, है ना, और जो कंप्लीट कोर्स है, आप देखें इन सभी कोर्सेज में क्या लिखा है,
क्रैश कोर्स, लेकिन जो हमारा ये वाला कोर्स है ना, जिसका प्राइस है 4999 और जिसकी वैलिडिटी है 6 months और इसका नाम है कंप्लीट कोर्स NSTAT। यहाँ पे आपको पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, तीनों के मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलेंगे और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस भी होंगे। तो जिनको लाइव क्लासेस चाहिए वो इस वाले कोर्स को ज्वाइन करेंगे और जिनको लगता है कि सेल्फ स्टडी करके वो उनको पर्टिकुलर पेपर चाहिए है ना, वो इनमें से किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब में रिकॉर्डेड स्टफ है ना, और यहाँ पे लाइव क्लासेस नहीं होती हैं। तो जिसमें लाइव क्लासेस होती हैं, जिस कोर्स को हर साल मैक्सिमम बच्चे जिस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, आइए उस कोर्स की बात करते हैं। उस कोर्स का नाम है कंप्लीट कोर्स NSTAT एडवांस। ये वाला कोर्स आप देख सकते हैं, कंप्लीट कोर्स ऑफ NSTAT एडवांस है ना। ये इसके डिस्क्रिप्शन है कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। तो पेपर 1 वीडियोस विद PDF, पेपर 2 वीडियोस, पेपर 3, इस जो इसके डिस्क्रिप्शन है इस कोर्स में क्या क्या मिलने वाला है, मैंने इस पे एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक अभी आपको आई बटन में दिख रहा होगा। ऑलराइट, देन बात कर लेते हैं इस कोर्स की वैलिडिटी। आप देखें इस कोर्स की वैलिडिटी है 6 months है ना, एंड आप देखें हमारे पिछले 2-3 सालों में मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इसी कोर्स को ऑप्ट किया है। नंबर्स आपको यहाँ पे गाइस दिख रहे होंगे। ऑलराइट, देन मूविंग अहेड, ये कोर्स की वैलिडिटी 6 months है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस कोर्स को आपने आज बाय किया तो आज से लेकर 6 months तक आप इस कोर्स में बने रहेंगे। इस कोर्स का जितना भी स्टफ है, जितने भी वीडियोज हैं, जितने भी PDFs हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, उन सभी को आप देख सकते हैं, कितनी बार भी देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट आपको यहाँ पे नहीं दी है। ऑलराइट, तो वैसे तो इस कोर्स की वैलिडिटी 6 months है क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि जून तक ये इस NSTAT 24 का एग्जाम हो जाएगा। बट डोंट वरी, अगर आप इस कोर्स को अभी परचेज करते हैं और जून तक, मतलब आपके 6 months की वैलिडिटी के अंदर ये एग्जाम नहीं होता है, माना कि 7th month में होता है, तब तक आपके कोर्स की वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। देन डोंट वरी, आप सबकी वैलिडिटी एग्जाम डेट तक एक्सटेंड कर दी जाएगी विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस और चार्जेस। ओके, तो गाइज इस कोर्स को ज्वाइन करें और लेट मी टेल यू वन थिंग, जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि एग्जाम की नोटिफिकेशन 2-2.5 महीने पहले आ जाती है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगी हम इसमें लाइव क्लासेस शुरू कर देंगे है ना। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, आप तब तक इस कोर्स को अभी ज्वाइन करके, और बहुत से बच्चों ने कर भी लिया, आपको मैं नंबर यहाँ पे दिखा भी दिए, बहुत से बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन कर भी लिया है, इस कोर्स को अभी ज्वाइन करके सेल्फ स्टडी शुरू कर दीजिए है ना, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। हम जब लाइव क्लासेस करेंगे तब तक तो हम उस टाइम पे हम दोबारा इस पूरे स्टफ को रिपीट करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां देखें कंटेंट में क्लिक करेंगे। ओके, अब देखो इसका कंटेंट है, मैंने अभी ओपन कर रखा है, जैसे पेपर 2 में आपको दिखाता हूं है ना। तो गाइस पेपर 2, जैसे आप पेपर 2 में आएंगे, ओके, जैसे फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन है, आप यहां पे क्लिक करेंगे। ओके, तो आपको यहां पे दिखेगा रिकॉर्डेड वीडियोस प्लस इसमें गाइस जो हमारी लास्ट टाइम लाइव क्लासेस हुई है, देखो लाइव क्लासेस रिकॉर्डिंग है ना, इसमें क्लिक करेंगे तो आप देखें 2023 में हमने 3 बैच यहां पे निकाले थे। ओके, तो आप किसी भी बैच पे क्लिक करो, यहां पे आपको लाइव क्लासेस की जो उस टाइम पे क्लासेस हुई थी सबके लेक्चर्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं। ऑलराइट, तो गाइज ये कम से कम यहाँ पे इतने वीडियोज हैं, इतना PDF इसमें स्टफ है, इतने सारे नोट्स हैं है ना। आप तब तक इनको देखिए, क्योंकि आप जब इनको देखना शुरू करेंगे, ओके, तो आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे और बहुत सारे नए डाउट्स भी बनते जाएंगे। जो नए डाउट्स बनते जाएंगे उनको आप एक नोटबुक पे लिखते जाइए, जैसे ही एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी हम लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, आप वहां पे अपने डाउट्स पूछेंगे और आपके डाउट्स वहां पे गाइज क्लियर किए जाएंगे। अब देखिए पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों का इसमें सारे वीडियोस, सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। एंड बिलीव मी, इतने वीडियोस इसमें हैं, इनको देखते देखते कम से कम आपको 3 महीने लगने वाले हैं। यस, 3 महीने अगर आप रोज के 2-3 वीडियोस भी देखते हो, क्योंकि 3 पेपर हैं। अगर आप एक वीडियो पेपर 1 का देखते हो, फॉर एग्जाम्पल टीचिंग एप्टीट्यूड का, एक वीडियो पेपर 2 का देखते हो, एक पेपर 3 का देखते हो, तो आपको रोज के 3 घंटे तो 3 वीडियोस देखने में लग जाएंगे है ना। तो ऐसे करके गाइज आपको 2-3 महीने लगने वाले हैं सारे वीडियोज को देखने के लिए। ऑलराइट, तो गाइज ये इसका स्टडी मटेरियल है, इसके जितने भी लेक्चर्स हैं उनके जो वीडियोज, PDF, मॉक टेस्ट, इन सभी के जो डेमो हैं वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो आप वेट ना करें, क्योंकि बहुत से बच्चे हर साल यही गलती करते हैं कि वो एग्जाम की नोटिफिकेशन का वेट करते हैं। वो सोचते हैं कि एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगी हम तब इस कोर्स में एनरोल करेंगे या तब अपनी प्रिपरेशन को शुरू करेंगे।
उस टाइम आपको 2 या 2.5 महीने का टाइम मिलता है, और उस टाइम पे इतने कम टाइम में फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करना थोड़ा सा टफ हो जाता है ना। तो अपनी स्टडीज को पहले शुरू करें, अभी आपके पास 4, 5, 6 महीने का टाइम है, और इसीलिए इस कोर्स की वैलिडिटी हमने 6 मंथ्स रखी है। आप इस कोर्स को ज्वाइन करें, अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें। बहुत सारा स्टफ है इसमें, मतलब कंप्लीट स्टफ है आपके एनएसटेट का, उसको देखें, अपने नोट्स बनाएं, है ना। और जैसे लाइव क्लासेस शुरू होंगी, जैसे नोटिफिकेशन आएगी, तो हम क्लासेस को भी शुरू करेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर पीयर्स, विद योर विद ऑल द एस्पिरेंट्स ऑफ एनएसटेट एग्जामिनेशन, एंड आई होप दैट यू ऑल विल ज्वाइन दिस कोर्स। And once the notification is out, we'll start the live classes. Till then, bye-bye and take care. God bless you all. Thank you.